अब रिक्शे को जैसे गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, कुछ हैं, गाड़ी को चलते हुए स्मूथ मूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये हमारे दो अलग रेंज के शॉकर हैं। जिस टाइप का कस्टमर आता है, आफ्टर सेल का आता है, OEM आता है, B2B कस्टमर्स आते हैं, उनको चाहिए कि भैया मेरे को ऐसी रेंज का शॉकर चाहिए, इकोनॉमिकल मॉडल चाहिए, मेरे को चाहिए भाई मेरे को अपनी हाई क्लास गाड़ी बनानी है। जो भी क्वालिटी में आप गाड़ी बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए, वी आर हेयर टू सर्व। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हमारा आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू EV एक्सपो 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो ई रिक्शा के पार्ट्स एंड उसके एसेसरीज में डील करते हैं। अगर आप ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इस तरह के बिजनेस में आप हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं और साथ ही अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे आप? आई एम ग्रेट। 999 हमारा ब्रांड है और हम लोग ई रिक्शा स्पेयर में डील करते हैं। वी डील इन बोथ OEM एंड अदर आफ्टर स्पेयर मार्केट एज वेल। तो हम B2B और B2C दोनों कस्टमर्स को डील करते हैं। 999 बेसिकली हमारे 80% प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है एंड ऑल द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। बट जो प्रोडक्ट जैसे जो कुछ इंडियन मेड प्रोडक्ट हैं, हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करते हैं, तो वो हमारा इंडिया में मेड होता है। वो आफ्टर सेल के कुछ प्रोडक्ट हैं, OEM पार्ट्स के कुछ प्रोडक्ट हैं, ऐसे हमारे बहुत वास्ट रेंज है। सर, सो आपके ऑफिसेज कहाँ हैं, कहाँ पर आपके वेयर हाउसेज हैं, कहाँ से आप लोग डील करते हैं? सर, हम लोग बेसिकली वी आर बेस्ड इन करोल बाग दिल्ली। आर ऑफिस OEM सप्लाई का ऑफिस हमारा फरीदाबाद से डील होता है। वी हैव ऑफिस इन स्वरूप नगर एज वेल और कलकत्ता में हमारा एक वेयर हाउस है। कलकत्ता वेयर हाउस से हमारा गुवाहाटी, कलकत्ता मार्केट, बिहार मार्केट सप्लाई होती है और जो दिल्ली मार्केट है, दिल्ली मार्केट के हम लोग को कैटर करने के लिए हमने करोल बाग में अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर तो आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ क्या रहते हैं और प्रोडक्ट रेंज। डेफिनेटली सर, आप आओ, मैं आपको अपना रेंज थोड़ा दिखाता हूँ। शुभम जी, ये है डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल जो है ये ई रिक्शा के नीचे बेस में लगता है। ये सारे जो स्पेयर पार्ट हैं ये ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जो बैटरी रिक्शा आप देख रहे हो चलते हैं उनके स्पेयर पार्ट होते हैं फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। तो ये जो डिफरेंशियल है ये 42 इंचेस डिफरेंशियल है। दिस द अपर मॉडल इज विद गियर, इसके अंदर गियर लीवर लगता है। ये मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा, गियर लीवर वाला है, ये विदाउट गियर लीवर वाला है। ये टू स्पीड और सिंगल स्पीड बोलते हैं हम इसको। ये 35 इंचेस है और ये 33 इंचेस डिफरेंशियल है। तो जो ये मडगार्ड्स हैं एंड ये हैंडल टी है। अब मडगार्ड भी दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं विथ क्लैंप। कई बार कई OEM सप्लाई जो B2B हम लोग बिजनेस करते हैं वो चाहते हैं कि अपनी ब्रांडिंग लगाएंगे रिक्शे के आगे, तो ये मडगार्ड पे वो ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ लोग सिंपल रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये मडगार्ड है। वी डील इन द प्रोडक्ट जो हैवी क्वालिटी का होता है, जो ईजिली फोल्डेबल ये सब ना हो, बहुत टाइट हैवी प्रोडक्ट होता है हमारा। वेट से लेके हर चीज़ अच्छी होती है एंड ये SS पे बना हुआ है विद All of this is powder coating। तो यहाँ पर जो भी अगर OEMs करवाना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर yes, हम फुल इन हाउस सोल्यूशन देते हैं। OEMs के ब्रांड को हम लोग ऊपर रजिस्टर करके देते हैं, उनको लगा के देते हैं। OEM के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल यूनिट लगाया हुआ है जिसके ऊपर हमारे जैसे मोटर्स कंट्रोलर्स हैं, वारंटी और जो भी चीज़ें हैं वो हमारी तरफ से रहती हैं, बट हम लोग उनको उनके नाम पे कैटर करके देते हैं, उनके नाम पे इस पे हम लोग लगा के देते हैं सारा नाम। जैसे ये लेट से दिस मोटर ऑफ 900 वॉट, ये आफ्टर सेल की मोटर है। अभी तो कोई OEM इसको डील नहीं करता, बट इन अर्लियर पहले क्या होता था, ये मोटर्स बहुत चलती थी। ये मोटर है, ये इसका कंपैटिबल कंट्रोलर है। तो आप हम अगर देखोगे ना, हमारी जितनी मोटर्स कंट्रोलर सब कंपैटिबल कंट्रोलर के साथ आ रही है। तो ये जैसे ये मोटर है, अब इस पर आपने देखा 999 लोगो लगा हुआ है। अब अगर कोई OEM चाहता है कि भाई हम इसके अंदर नाम चेंज करके यहाँ पे उसका नाम प्रिंट करवाएं, उसका एक प्रॉपर एक कोड प्रिंट कराएं जिसके ताकि ये मटेरियल कोड उसके नाम पे हो जाए, और रेस्ट जो आफ्टर सेल वारंटी गारंटी होती है वो हमारे ही होती है, वो हम लोग उनको करके देते हैं। तो ज़्यादातर तो जो प्रॉब्लम्स आती है सर, ई रिक्शा के कंट्रोलर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर क्या क्वालिटी एश्योरेंस रहता है? एक्चुअल में क्या रहता है, जैसे हम ना विद जब हम लोग कोई कंट्रोलर या मोटर्स देते हैं तो आफ्टर दैट इसके ऊपर एक मॉडल कोड नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं अकॉर्डिंग टू OEM। अगर OEM बोलता है अभी 1 साल की दे, तो हम 1 साल की भी देते हैं। वी हैव फुल टेक्नीशियन सपोर्ट, हमारे पूरी टेक टीम है। वो जो टेक टीम है वो इसका ख्याल रखते हैं कि कोई भी अगर इशू आता है, हम लोग OEM के यहाँ विजिट भी करा देते हैं और रादर देन वो हमारे पास कई बार भेज देते हैं, हम लोग उनका मटेरियल रिपेयर भी करा देते हैं। जैसे ही कंट्रोलर है, अब कंट्रोलर के अंदर जनरली MOSFETs होते हैं, इसके अंदर कंडेंसर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं,
हीट सिंक की प्लेट होती है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग उनको रिपेयर करा के देते हैं। इधर अगर वो दूर है हमसे, जैसे गुवाहाटी का कोई बंदा है, उसने कहा कि सर हमारा मॉस्फेट खराब हो गया, अब इसके अंदर 24 मॉस्फेट्स होते हैं, तो वो कहते हैं हमारा मॉस्फेट खराब हो गया, हम उनको मॉस्फेट अरेंज करा देंगे। ठीक है, हम लोग हर तरह से उनसे डील कर लेते हैं, जिस तरह उनको कंफर्टेबल हो। एट द एंड ऑफ द कस्टमर इज द गॉड, तो जैसा वो बोलेगा हम लोग सब कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी रेंज होता है, 900 वाट है, 900 वाट का कंट्रोलर मोटर, ये है 1000 वाट मोटर कंट्रोलर, 1200 वाट पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर 1200 वाट जाती है मोटर एंड कंट्रोलर, और ये आता है अपना 1500 वाट, ये लोडर रिक्शा के अंदर होता है, जो कई बार रिक्शा क्या होते हैं यूज़ होते हैं फॉर लोडिंग ऑफ बल्क आइटम्स, ये उसमें भी होता है। अब ये जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का है, ये रिक्शा के अंदर अदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे ये कन्वर्टर रखा हुआ है, 10 एम्पीयर का कन्वर्टर है, 15 एम्पीयर का कन्वर्टर है, ये आपका क्या नाम है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आप देखोगे जैसे कार्स में होता है, हम वैसा यूज़ करते हैं, ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है 999 का, वी यूज जैसा कैटर करें हम उस हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अब किसी को चाहिए कि हमें सेंट्रल लॉक नहीं लगाना, हमें नॉर्मल की लगानी है, हम उसके अंदर फ्लिप की का ऑप्शन देते हैं, ये हमारी फ्लिप की है, ये फ्लिप की का काम करती है, ये इग्निशन लॉक है, मेनली रिक्शा के अंदर इग्निशन लॉक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे थ्रॉटल्स हैं, रिक्शा को एक्सलेट करने के काम आते हैं, प्लस और माइनस। ये हमारा डबल स्पीड थ्रॉटल है, जिसके अंदर तीन टाइप के स्पीड रेंज है, 1, 2, 3 फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स हर के अंदर होता है, बट ये डबल स्पीड है, 1, 2, 3 तीनों LML बोलते हैं, उसमें यूज हो जाता है हाई मीडियम लो के अंदर। ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स, ये आपको देख रहे हो गया फुल अच्छी क्वालिटी का, विद गुड स्प्रिंग क्वालिटी, एवरीथिंग इज गुड। ये हम लोग ये मेनली हमारा जो प्रोडक्ट का रहता है रेंज, हम लोग ये लेके चलते हैं कि अगर हम किसी B2B में सप्लाई भी कर रहे हैं और आफ्टर मार्केट भी सेल कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गई आपकी चार्जिंग सॉकेट, ये हमारी MCB है, इस समय 63 एम्पीयर की MCB मार्केट के अंदर, बहुत हैवी क्वालिटी की हमने MCB रेडी कराई है। आप जल्दी देखोगे इसके अंदर कॉपर स्विच 3 है, बाकियों में होते नहीं, अंदर का जो सर्किट है वो बहुत इम्प्रूव्ड है, हम इम्प्रोवाइज्ड, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में ना इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, वी कीप ऑन डूइंग R&Ds अलग अलग तरह से, अलग अलग वो, और मार्केट फीडबैक बहुत लेते हैं। जैसे अभी मीटर है, अगर आप अभी मीटर देख रहे होंगे, ये फुल LED डिस्प्ले वाला मीटर है, इसका अगर आप प्रॉपर एक व्यू देखोगे तो पीछे हमने एक व्यू लगाया हुआ है इसका, ये व्यू है इसका, ये डिजिटल मीटर, ये डिजिटल मीटर इस तरह का डिस्प्ले देता है, इसके अंदर एक्यूरेट रीडिंग स्टोरेज आती है। हमने एक बार एक कस्टमर को चेक कराने के लिए गूगल मैप से भी चेक करा हमने, जब हमने मैप से वो करा, आप गूगल मैप में फ़ोन पे था और ये था, तो दोनों इक्वल स्पीड शो कर रहे थे, इक्वल स्पीड एज वेल एज किलोमीटर्स, तो ये सारा एक्यूरेसी के ऊपर है। तो ये हमारा डिजिटल एंड प्लस ये आपका मिल जाएगा डेफिनेटली। ये हमारा एक हॉर्न है, ये वाटरप्रूफ हॉर्न होता है, बहुत हैवी क्वालिटी का हॉर्न आता है वाटरप्रूफ, और ये जनरली क्या होता है कि जैसे हॉर्न है ये इसका जो सोर्स होता है वो बाहर की ओर होता है, तो पानी हवा गंदगी सब लगती है इसके ऊपर, इसकी वारंटी बहुत अच्छी है, मतलब ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब ये हमारा एक कन्वर्टर है, अब हमने इसके अंदर भी R&D करके दिया है, 20 एम्पीयर का कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर के अंदर हमने एक इनपुट दे दिया मोबाइल चार्जिंग का, मोबाइल चार्जिंग किसके साथ हमने एनेबल कर दिए। अब होता क्या है कि जनरली एक बंदा कन्वर्टर लगाता है फॉर चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है, 48 वोल्ट की बैटरी होती है रिक्शे के अंदर, 12 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, 12 वोल्ट के बाद ये 20 एम्पीयर तक उसे सपोर्ट करता है, 12 वोल्ट के बाद ये बंदा अपना फोन चार्जिंग के लिए भी उसके अंदर बॉक्स के अंदर सेटअप दे सकता है, ताकि जो रिक्शा चला रहा है वो उसको ईजी रहे, अपना फ़ोन चार्ज करना है कुछ करना है तो उसको आसान से कैटर हो जाए। देन हमारे अगर डिजिटल मीटर आता है, रीडिंग मीटर आता है, हाफ डिजिटल मीटर आता है, जिस टाइप का क्लाइंट मांगता है, जिस टाइप का उसको वो चीज़ चाहिए, हम कैटर कर देते हैं। ये हमारी हेडलाइट्स है, दिस हेडलाइट इज़ लाइक LED हेडलाइट, तीनों LED हेडलाइट्स है। इसके जो आप सराउंडिंग देख रहे हो ये DRL है, जैसे कार्स के अंदर आजकल DRL जलती है, ऐसे इसके अंदर भी DRL जलती है, बस ये ट्राई कलर में जलती है, तिरंगा व्यू में जलती है। बीच में दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, इधर भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और ये हमारा आता है इसके अंदर 24 LED हेडलैम्प्स है। हाँ, ये हमारे बेयरिंग की रेंज है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग है जो कवर हो रहे हैं इसके अंदर। आप 3205, 3025, 768906, 6006, 6005, 6206, 6205, 6004, 6302, 6301, 6201, 6202, 6203, ये सारी रेंज हम कवर कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं जिस हिसाब से जो स्पेयर पार्ट में चीज लगती है वो। फिर रेस्ट हम आ जाते हैं मोटर्स के अंदर, ये मोटर के स्पेयर पार्ट है, ये मोटर के शाफ्ट है, देखिए ये शाफ्ट है, ये मोटर की 1500 वाट की मोटर की शाफ्ट है, ये 1000 वाट की मोटर की शाफ्ट है,
तो ये मोटर्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा मोटर के अंदर ऊपर लगी होती है, ये डिफरेंशियल के अंदर जाके आपको मैं आगे गियर पार्ट दिखाऊंगा ना, तो उसके अंदर ये अटैच होकर काम करती है, तो विद टाइम ये घिसती है। तो ये वेयर एंड टेयर के लिए जैसे क्लाइंट्स को चाहिए होता है, रिपेयर के लिए चाहिए होता है, तो हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में गाड़ी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ये आपके हेडलाइट को होल्ड करता है, शॉकर के ऊपर रखता है, हेडलाइट को होल्ड करता है। ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, कोई बंदा बोले मोड़े तोड़े कुछ नहीं होता इसको, ये हेडलाइट होल्ड करेगा। अब हेडलाइट हल्की सी नीचे हो गई तो बंदे को सामने की विजिबिलिटी हर्ट होगी, प्लस एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग इसके अंदर भी कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे ना, तो ये बेस मटेरियल है, कभी रिक्शे के ऊपर नहीं दिखता, पर नीचे मेन काम ये कर रहा होता है, ये कमानी है, सपोर्ट ऑफ द रिक्शा, ये रिक्शे का पूरा मेन संभालती है नीचे से सेटअप। तो ये हमारी सुपरलाइन मटेरियल कमानी होती है, इट्स लाइक इलास्टिक मटेरियल, अगर बंदा बैठेगा तो ये कमानी वापस क्विज होगी, वापस वैसे हो जाएगी। तो ये उस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब ये आ गया हमारा रिम है, दिस इज आर रिम। ये रिम हमारा बुलेट प्रोफाइल में आता है, जिसकी वजह से जो साइडिंग्स है, अदर रिम्स में ना साइडिंग्स कम होती है, ये 3 किलो प्लस का रिम है और इसकी साइडिंग्स बहुत मोटी है, तो जिससे वो पूरा सपोर्ट देता है रिक्शे को नीचे से। ये हमारी दो अलग टाइप की कमानी है, जिस टाइप का बंदे को चाहिए उस टाइप का आता है। मतलब सारा, अगर आप ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ से एक्सेसरीज सब कुछ, हम A to Z बस आप चेसिस बॉडी रखो, A to Z आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हम लोग हर तरह का। अब जैसे ये साइड मिरर है, दिस इज जस्ट साइड मिरर, लोग कहते हैं साइड मिरर बट दिस इज कन्वेक्स ग्लास, दूर का पास दिखाने वाला कन्वेक्स ग्लास। विद दिस आप ये देखो, ये सॉलिड होल्डिंग, लोग प्लास्टिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसको तोड़ना मोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसकी क्लैंप्स आते हैं, अब मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के क्लैंप्स अवेलेबल हैं, हमारा क्लैंप ही ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग है रिक्शे का। अब रिक्शा चलना है रोड पे, गड्ढे हैं, सब कुछ है, वाइब्रेशन है, ये मुड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता। फिर हम लोग क्लाइंटों के लिए फिर R&D करके लाए। अब आजकल जैसे आप थार गाड़ी देखते हो तो आजकल फोल्डेबल मिरर चलते हैं, दिस इज द लेट्स से दिस इज द स्क्रीन, जो अपना मिरर है, तो ये फोल्डेबल है, ये आप फोल्ड कर सकते हो, आपकी गाड़ी जा रही है कहीं से निकल नहीं रही, आपने फोल्ड कर लिया, गाड़ी निकल गई। तो फिर रिफ्लेक्टर ग्लास है, तो सामने वाले को पता भी रहता है कि रिक्शा आ रहा है, ये इस टाइप का मटेरियल है। फिर आप अगर अदर्स में जाएंगे, आपको अब इसके अंदर हमारे अदर गियर पार्ट्स आते हैं, जैसे ड्रम असेंबली है। अब आपने पीछे डिफरेंशियल देखा, उसके अंदर का पार्ट ये है, डिफरेंशियल के अंदर ब्रेक शू लगता है। अब ब्रेक शू मेन ब्रेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा लाइनिंग वाला ब्रेक शू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिक्शे का, ब्रेकिंग के अंदर काम आता है रिक्शे के अंदर, तो ये हमारा ब्रेक शू है। अब आप देखते हैं गियर पार्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था, शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड गुच्छा, क्राउन बोलते हैं मेन रिक्शे के, और इसके अंदर वो शाफ्ट लगती है, जो इसमें लगता है एक्सेल, ठीक है। ये एक्सेल ड्रम को चलाता है, जो मेन ड्रम है हमारा, जो इसको हम हांडी भी बोलते हैं, उस हांडी के अंदर इसका और ये डबल गियर का एक इक्विवेलेंट पार्ट चलता है, तो इसका इक्विवेलेंट पार्ट चलता है, वी यूज टू मूव लाइक दिस, और इसके अंदर जो मेन काम कर रहा होता है वो शाफ्ट से कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें अलाइंग होती हैं और आपस में कॉन्फिगर्ड होती हैं ताकि वो इजी वो कर पाएँ, मूव कर पाएँ। किसी भी रिक्शे की स्मूथ रनिंग के लिए इन पार्ट आइटम्स का होना ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी का। अगर इसमें हल्की क्वालिटी लगा दी तो वो रिक्शा थोड़ी देर चलेगा, फिर ख़राब हो जाएगा। फिर ऊपर हमारी वायरिंग हार्नेस भी है, चार्जर भी है और अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। इस साइड हमारे और प्रोडक्ट भी डिस्प्लेड हैं। अब रिक्शे को जैसे गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, कुछ हैं, गाड़ी को चलते हुए स्मूथ मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे दो अलग रेंज के शॉकर हैं। जिस टाइप का कस्टमर आता है, आफ्टर सेल का आता है, OEM आता है, B2B कस्टमर्स आते हैं, उनको चाहिए कि भैया मेरे को ऐसी रेंज का शॉकर चाहिए, इकोनॉमिकल मॉडल चाहिए, मेरे को चाहिए भाई, मेरे को अपनी हाई क्लास गाड़ी बनानी है। जो भी क्वालिटी में आप गाड़ी बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको, जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए, वी आर हेयर टू सर्व यू। अब ये जैसे प्रोडक्ट भी रिफ्लेक्टर है, तो और इसकी जो बेस क्वालिटी है, जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये प्लस इसके अंदर हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, ऑयल होता है, स्प्रिंग्स होते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। 10 kg का शॉकर है ये, और ये आप जरा देख रहे होंगे, जैसे हमने इसका एक असेंबली सेट करा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी जैसे घूमता है। देखिए ये असेंबली सेट है, अभी मैंने आपको एक हैंडल टी दिखाई थी, ये आपको कान दिखाए थे, ये आपका शॉकर लगा हुआ है, असेंबली सेट है। अब इसके अंदर क्या है, बीच में टायर लगेगा, ड्रम असेंबली लगेगी, एंड यू आर गुड टू गो। अब इधर हमारा आता है, इधर आप देख पा रहे होंगे हमारे, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च करा है लोडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारी 1800 वाट और 2000 वाट की मोटर्स है, शाफ्टलेस मोटर है। अभी आपने शाफ्ट देखी थी, ये मोटर को वर्ड यूज विदाउट शाफ्ट है, शाफ्ट अंदर ही होती है, राउंड शाफ्ट होती है, इससे लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये अगर आप गेयर बॉक्स का देखोगे ना, गेयर बॉक्स के अंदर भी ये देखिए, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, कैपेसिटी आपका लोडिंग पॉइंट पे कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्लस गेयर लीवर, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताया था, 42 इंच गेयर, इसमें गेयर लीवर लगा हुआ है, गेयर लीवर एंड वायर है, आपने गेयर स्पीड चेंज करनी है, आप गेयर स्पीड चेंज कर सकते हो। हर एक चीज़ जैसे कार्स के अंदर अवेलेबल है, आज की डेट में रिक्शा के अंदर भी अवेलेबल है। 2000 वॉट किसी को हाई और
हाई लोडिंग करनी है, पानी कैने लेके जानी है, जिस टाइप की लेके जानी है, हैवी लोडिंग के लिए भी अवेलेबल है। फिर आता है हमारा ये साइन वेव टेक्नोलॉजी। अब ये पैसेंजर व्हीकल्स में नई टेक्नोलॉजी है, इसका जैसे नॉर्मल करंट घूमता है स्क्वायर वेव, अब ये आ गया साइन वेव। साइन वेव के अंदर रहता है एक तरह से ये स्टार की तरह मूवमेंट करता है और स्पीड और लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये हमारी 1200 वाट की मोटर है, हमारी 1000 वाट की मोटर है विद डिफरेंशियल, ये पूरा सेट आता है विद द कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर तो सर प्रोडक्ट रेंज तो काफ़ी सारे हैं, जो भी जिस भी रेंज में अगर ई रिक्शा बनवाना चाहे तो उनके लिए प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और जब जितना भी मंगवाना चाहे वो मिल जाएगा। एज ए बिजनेस देखिए, बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से आप लोग बिजनेस करते हैं? सर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्लस जैसे यहाँ पे OEMs है, हम उनसे डायरेक्ट डीलिंग करते हैं फॉर देयर स्पेयर पार्ट्स। जैसे चाइल्ड पार्ट्स बोलते हैं जो छोटी आइटमें हैं, झूला हो गया आपका, कमानी हो गई, आपके एक्सेल्स हो गए, आपके बैलेंस रॉड्स हो गए, हम वही प्रोवाइड करते हैं। किसी को शॉकर मेन पार्ट चाहिए, मोटर कंट्रोलर डिफरेंशियल शॉकर, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। जिसको जिस टाइप का किट चाहिए हम उसको उस हिसाब से केटर कर देते हैं। अच्छा। जो बंदा जो कंपनी जिस तरह का हमसे सर्विस चाहती है हम उसको उस सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हो या OEMs करवाना चाहते हैं तो उस तरह से आप जैसे लेट्स से एक OEM है या शुभम जी आप ही हैं, आपने कहा कि भाई मेरे को आज से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, तो पहले आप और मैं बैठ के बैठेंगे, हम लोग आपका एक बॉम्ब प्रिपेयर करेंगे कि भैया आपको इस टाइप का पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ सही रहेगा, ये वाला इस मार्केट के लिए ठीक रहेगा। अब जैसे इंडिया में अलग तरह की मार्केट है, जयपुर में जो चीज़ चल रही है बंगाल में नहीं चल सकती, जो चीज़ गुवाहाटी में चल रही है जम्मू कश्मीर में चल सकती, तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग एरिया के लिए डिपेंड होते हैं। और हमारी इस पूरी मार्केट की स्टडी है, हमारे मार्केटिंग टीम के बंदे, हमारे सेल्स टीम के बंदे हर स्टेट्स में अपने आप दौड़ते हैं, करते हैं, मार्केट से डेटा कलेक्ट होता है, सब कुछ डेटा के ऊपर डेटा आता है, उस पर फीडबैक्स मिलते हैं, उस पर वर्किंग होती है और घुमा के हम लोग उस आइटम को R&D करके प्रोड्यूस कराते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या रहता है, गारंटी वारंटी क्या रहता है? सर जैसे मैंने बताया OEM मेरे को बोलता है कि मेरे को एक साल की वारंटी अपने कस्टमर को देनी है, तो हम एक साल के लिए उससे हम लोग उस आपका एग्रीमेंट करते हैं। कोई बंदा कोई OEM मेरे को बोलता है भैया मेरे को 6 मंथ की सेल सर्विस चाहिए, अब जैसे कई OEM है उन्होंने अपने इन हाउस सेल सर्विस बनाई हुई है, वो कहते हैं सर हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, आप अपने 100% सर्टिफाइड प्रोडक्ट दो, उसके बाद बाकी मैं देख लूँगा। और आप अगर कभी 19-20 कुछ होता भी है तो हम OEM के साथ हमेशा खड़े हैं। जो कस्टमर हमारा एक बार बन गया ना फिर वो हमारा है, वो हमारी फैमिली हो जाता है। तो सर अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर देखो हमारी वेबसाइट है www.999.in, प्लस हमारा जो काउंटर है वो करोल बाग में भी अवेलेबल है, और हमारे जो मार्केटिंग टीम जैसे यहाँ पे मार्केटिंग में आप अपना क्वेरी और फीड उसमें छोड़ सकते हो, क्वेरी है, मेल आईडी है, आपकी इन्फो पे है, उन पे आप डाल सकते हो, आप उससे हमें रीच कर सकते हो, इजी टू रीच है। प्लस हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट पे अवेलेबल है। किसी भी कस्टमर को कैसे भी कॉन्टैक्ट करना है वो कर सकता है, मे इट बी OEM और मे इट बी आफ्टर सेल। अब आफ्टर सेल की मैंने आपसे बात ज़्यादा करी नहीं, आफ्टर सेल क्या होता है, वैसे रिक्शा है, अब वेयर एंड टीयर है, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा, उसका भी पूरा नेटवर्क है। अच्छा। आप एरिया का नाम भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू नेम द स्टेट, हमारे पास वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, वो वहाँ पे पार्ट्स देते हैं, वो वहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से जैसे बंगाल की बात मानते हैं तो बंगाल में हमारा एक बहुत बड़ा डीलर अवेलेबल है, अगर आप गुवाहाटी की बात मानते हैं गुवाहाटी में बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा अवेलेबल है, बिहार हो गया और हर स्टेट में हो गया, हर स्टेट में अवेलेबिलिटी हमने करी हुई है, प्रोडक्ट कहीं भी अरेंज हो जाएगा और हर टाइप का प्रोडक्ट अरेंज हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि ये अवेलेबल है ये अवेलेबल नहीं है, हम लोग अवेलेबिलिटी पूरा लगते हैं। अच्छा। प्रोडक्ट्स की जी। सो एट लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? सर हम लोग आपकी सर्विस के लिए राजी हैं, आप जब भी आए हमें मौका दीजिए, हमसे जुड़ने का एक बार वो करिए, उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं हम लोग 999 में किस तरह रिलेशन बनाते हैं और किस तरह कस्टमर को पूरा सपोर्ट देते हैं। जी तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको उनकी सर्विस अच्छी लगी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।